हेलो गाइस, मैं से डॉक्टर दीपिका आर्या। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स सीरियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक जियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थी। आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आई बॉल। बहुत सारा ये आई बॉल के बारे में आपने 12th में 11th में पढ़ा हुआ है। तो जो आई बॉल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो सबसे पहला ये जो ऑर्बिटल कैविटी है ना, एनाटॉमी में भी करवाया होगा आप, इट इज लोकेटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। और कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? दैट इज ऑप्टिक नर्व, सेंसरी। आईबॉल का शेप अगर देखें तो स्फेरिकल, जो हमें आईबॉल दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 1/6 है। ये पूरा ऐसे बॉल के जैसे होता है, ये इतना पार्ट जो है इज विजिबल। इसका डायमीटर है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। और जो आई और ऑर्बिटल कैविटी दोनों के बीच की जो स्पेस है, इसके अंदर फैट होता है जिसे कहते हैं पेरी ऑर्बिटल फैट, जो शॉक एब्जॉर्ब कर, पेरी ऑर्बिटल फैट। अब स्ट्रक्चर की बात करें, आईबॉल का जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहला इसके अंदर तीन लेयर्स होते हैं। तीन लेयर्स में कौन सा होगा? सबसे बाहर जो है जिसे कहते हैं फाइब्रस लेयर, ये वाला क्लेरा जो है टफ है, और इसका कंटिन्यूएशन है कॉर्निया। यहाँ पे कॉर्निया है। इसके बाद सेकंड आएगा मिडल लेयर, तो मिडल वाला जो लेयर है वो है वास्कुलर। तो फाइब्रस लेयर में दो आएंगे, एक आ रहा है हमारा स्क्लेरा एंड कॉर्निया, सॉरी कॉर्निया, दिस वन स्क्लेरा एंड कॉर्निया। इसके बाद का आएगा मिडल लेयर जिसमें ब्लड वेसल्स, चॉकलेट ब्राउन कलर का है, इसमें आएगा हमारा कोरोइड। कोरोइड का आगे कंटिन्यूएशन है ये, जिसे कहते हैं सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। एंड इसके आगे आएगा ये आयरिस, ये। और सबसे अंदर यहाँ पे जो लेयर है इसे कहते हैं नर्वस लेयर, जो बना है हमारे रेटिना। और स्ट्रक्चर्स इनसाइड द आईबॉल, अभी इसके अंदर अंदर क्या है, एक तो है लेंस और फ्लूइड। फ्लूइड में दो फ्लूइड, एक है हमारा एक्वेयस फ्लूइड, इसे कहते हैं एक्वेयस ह्यूमर। और दूसरा है ये यहाँ पे होगा एंटीरियर सेगमेंट, और यहाँ पोस्टीरियर में होगा विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस बॉडी भी कहते हैं बॉडी, ये वाला, ये विट्रियस ह्यूमर। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, देखो सबसे बाहर के जो लेयर है इसे कहते हैं फाइब्रस, फाइब्रस ट्यूनिक्स और फाइब्रस लेयर। इसमें आएगा एक तो हमारा स्क्लेरा और इसका कंटिन्यूएशन होगा कॉर्निया। सेकेंड मिडल वन जो है वास्कुलर लेयर, वास्कुलर में आएगा हमारा यहाँ पे ये वाला है, थोड़ा सा नीचे आ गया कोरोइड। और कोरोइड जो है इसका कंटिन्यूएशन आएगा हमारा सीलियरी बॉडी, और आगे आएगा आयरिस, थोड़ा सा मेरा नीचे चला। तीसरा लेयर है हमारा सेंसरी लेयर और नर्वस लेयर, नर्वस लेयर में आएगा हमारा रेटिना, ये रेटिना या रेटिना। अभी कॉर्निया से स्टार्ट, जो कॉर्निया होता है ना ये यहाँ पे एंटीरियरली, जो हमारी यहाँ ये वाली जो आयरिस है ना, और आयरिस के बीच में जो एपर्चर बनता है ना, इसे कहते हैं प्यूपिल, इसको कवर कर। जो कॉर्निया है ना वो क्लियर होता है, तो एग्जैक्टली दिखेगा नहीं, क्लियर और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और कॉन्वेक्स, यहाँ पे देखो कॉन्वेक्सिटी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ब्लड सप्लाई नहीं ए वास्कुलर, इसीलिए उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब आई डोनेशन कहते हैं ना तो क्या डोनेट कर रहे हैं? कॉर्निया। ए वास्कुलर एंटीरियर पोर्शन ऑफ आउटर लेयर ऑफ आईबॉल, ये बनाता क्या है हमारा जो आईबॉल का एंटीरियर टू पार्ट, इतना वाला, और वो कंटिन्यू होता है यहाँ पे, ये देखो क्लेरा के साथ। और ये जो स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन होता है ना, इसे कहते हैं लिम्बस, LIMBUS, लिम्बस। अभी ये जो कॉर्निया है उसका कलर अगर देखें तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो हमें एग्जैक्टली उसका कलर नहीं दिख रहा है, जो क्या दिख रहा है हमें, जो नीचे यहाँ पे इसके अंदर जो है ना आयरिस, इसका कलर दिख रहा है, तो ऊपर कॉर्निया है, ठीक है। तो आयरिस का जो कलर है, सपोज आयरिस ब्लैक है जिसमें मेलानिन पिगमेंट्स बहुत है, तो वो ब्लैक दिखे, अगर कम है तो ब्लू दिखेगा, और कम है ब्राउन दिखेगा।
ये आयरिस का जो कलर है इसके अभी, हाँ, कॉर्निया को नर्व कौन सी सप्लाई कर रही है? सेंसरी नर्व फाइबर्स, फिफ्थ क्रेनियल नर्व जिसे कहते हैं ट्राइजेमिनल। और लाइट रेज जो है ना वो पास होते हैं वहां पे, यहाँ पे हमारे कॉर्निया पे हाईएस्ट रिफ्रैक्शन होता है ना, यहाँ पे इसका जो एंटीरियर ऐसे ऐसे कॉर्निया होता है, फिर स्क्लेरा होगी। जो एंटीरियर कर्वेचर है ना इसका हमारा रिफ्रैक्टिव पावर होगा 48 डाउन यहाँ पे ये वाला, और पीछे वाला है ना वो कॉनकेव है तो इसका -4 होगा, वो हम डायोप्टर्स के साथ करेंगे। अभी इसका फंक्शन क्या है? जो लाइट रेज है उसका रिफ्रैक्ट, तो ब्लड सप्लाई नहीं होती जो मैंने बताई है, अप्लाइड एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वास्क्यूलर लेयर हमारा कॉर्निया होता है वो ए वास्क्यूलर होता है, इसीलिए जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो कॉर्निया, और कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे तो ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन नहीं आएगा। तो एक अप्लाइड एस्पेक्ट, दूसरी अप्लाइड एस्पेक्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया जिसे कहते हैं किरेटाइटिस। फिर दूसरा एक है ओपेसिटी इन द कॉर्निया, ओपेक हो जाती है। आप पेशेंट को देखोगे हॉस्पिटल में जाके तो कभी कभी यहाँ पे पूरा ओपेसिटी दिख, क्यों होगा? कभी कभी इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन तो भी ओपेसिटी। तो ये हुआ हमारा कॉर्निया। सेकेंड आएगा स्क्लेरा। तो ये जो स्क्लेरा है ना वो टफ पार्ट है, फाइब्रस आउटर मोस्ट टफ पार्ट, और ये हमारे आईबॉल के पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट को कवर कर, और ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। फाइब्रस तो टफ भी चाहिए ना, सबसे बाहर वाला लेयर हमारा टफ होना, सॉरी फाइब्रस टिश्यू, ये फाइन। और दूसरा इसका काम क्या है कि वो लाइट रेस को, ये व्हाइट कलर का है तो लाइट रेस को अलाउ नहीं, डो नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, जो लाइट है ना वो कॉर्निया से ही जाए, ठीक है, और यहाँ पे पिपिल के थ्रू ही जाएगी, सब जगह से जाने लगी तो इमेज नहीं बनेगा ठीक से, ठीक है। फिर हाँ, दूसरा एक फंक्शन है उसका, जो हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं ना जो आईबॉल की मूवमेंट के लिए चाहिए, वो यहाँ पे अटैच स्क्लेरा के साथ, और ये जो है ना इसका पोस्टीरियर पार्ट है ना वो यहाँ, यहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट है ना, इसे कहते हैं लेमिना क्रिब्रोस। तो फंक्शन हो गया इसका, एक फंक्शन है हमारा कि वो शेप प्रोवाइड करता है, टफ है, और दूसरा जो मैंने बताया ना, ये देखो हमारा जो मसल्स है ना, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल लेटरल, ये यहाँ पे अटैच्ड है किसके साथ? स्क्लेरा के साथ। तो ये हमारा आउटर फाइब्रस लेयर कंप्लीट हो गया। फाइब्रस में आएंगे हमारे दो पार्ट्स, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। नेक्स्ट आ रहा है मिडल वास्कुलर लेयर। तो वास्कुलर लेयर में क्या होता है? ये वाला कोरोइड, इसके आगे सीलियरी बॉडी, इसके आगे आएगा हमारा आईस। तो जो कोरोइड है वो पोस्टीरियर पार्ट में है, पोस्टीरियर 5/6, पोस्टीरियर 5/6। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, और इसका काम क्या है? ये चॉकलेट ब्राउन कलर दे रहा है तो ये जो लाइट रेज है ना उसको एब्जॉर्ब करेगा। लाइट रेज अगर एब्जॉर्ब नहीं हुए तो क्या होगा? इमेज नहीं बने हमारे, सपोज हम मिरर देखते हैं तो पीछे कुछ होता है ना, नहीं तो ग्लास है, इमेज नहीं बनती तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए ये जो है ना वो रिफ्रैक्शन लाइट रेज का नहीं करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन। इसका कंटिन्यूएशन होगा सीलियरी बॉडी, ये वाला जो सीलियरी बॉडी है ना वो बना है हमारे सीलियरी मसल। तो यहाँ पे एक तो मसल्स होता है और दूसरा एपिथीलियम है जो सिक्रीट कर रहा है ना, सिक्रीट क्या कर रहा है वो मैं बता रही हूँ, वो करेगा सिक्रीट एक्वेस ह्यूमर, हम कर रहे हैं वो आगे, ठीक है। और ये सीलियरी बॉडी से, सीलियरी बॉडी के मसल्स की बात कर रहे हैं तो मसल्स में दो टाइप, एक होते हैं रेडियल मसल्स मेरिडियन लाइक दिस, और दूसरे है सर्क्यूलर। तो ये जो सीलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो यहाँ पे जैसे सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमारे जो आईबॉल के जो ये देखो सीलियरी मसल है, ये हमारा लेंस है, ठीक है। तो लेंस के, लेंस और सीलियरी बॉडी इसके बीच में ये लिगामेंट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, तो ये पुली की तरह काम कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये हमारे सीलियरी मसल। तो जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये रिलैक्स हो जाएगा, तो पुल कम हो जाएगा और इसकी वजह से जो लेंस है ना उसकी थिकनेस बढ़ेगी। ये देखो डायग्राम, तो जब हमें नज़दीक का देखना है तो ये होगा है ना, क्योंकि लेंस का डायोप्टर बढ़ाना है, प्लस करना है, दूर का देखना है तो उल्टा, ठीक
इलियरी मसल रिलैक्सेशन, इलियरी दूर का देखते तो रिलैक्स होते ना, हम नजदीक का बहुत देखते रहते, मोबाइल बहुत देखते रहते, हमें आंखें दुखती थी क्योंकि सीलियरी मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो फार विजन के लिए सीलियरी मसल का रिलैक्सेशन होता है और सीलियरी मसल जैसे रिलैक्स हुए तो ये टाइट हो जाएगा, क्या सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट हुआ तो ये हमारा जो लेंस है ना ये फ्लैट हो जाएगा, ये बात, ये देखो फ्लैट, तो दूर का, ये नजदीक का। और सिक्रीटरी एपिथेलियम मैंने बता दिया वो क्या सिक्रीट कर रहा है, एक्वेस ह्यूमर, ये देखो एक्वेस यहाँ से फिर पास होके एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में, वो हम अलग से करेंगे। नर्व सप्लाई सीलियरी बॉडी को हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है ऑक्यूलोमोटर नर्व, हमें पता है क्रेनियल नर्व के नाम, ठीक है। अभी दूसरा नेक्स्ट पार्ट, कोरोइड सीलियरी बॉडी आइरिस, आइरिस जो है ना ये सीलियरी बॉडी का भी आगे एक्सटेंशन होके आइरिस बना, ठीक है। उसका काम क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिए, ये जो हमारा आईबॉल है ना इसको दो भाग में डिवाइड होता है, ये जो है ना वो हमारा एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं और इसे बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट, सेगमेंट हाँ इंपॉर्टेंट याद रखो। और ये जो एंटीरियर सेगमेंट है इसके अंदर दो चैम्बर बनती है, एंटीरियर चैम्बर एसी एंड पीसी, और इन दोनों के बीच में आता है हमारा आइरिस। उसका काम क्या हुआ, एंटीरियर सेगमेंट को डिवाइड करेगा दो चैम्बर्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और ये जो हमारा एक्वेस ह्यूमर सिक्रीट हो रहा है तो वो पहले कहाँ आएगा, पोस्टीरियर चैम्बर में, फिर लेंस के बीच में होके एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट इंपॉर्टेंट, एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट बनेंगे। एंटीरियर सेगमेंट किन दोनों के बीच में है, कॉर्निया एंड लेंस, पोस्टीरियर सेगमेंट लेंस एंड हमारा रेटिना, ओके। तो ये एक हो गया, सेकेंड हो गया कि जो है ना हमारा आइरिस वो हमारी पिपिल की साइज बना, देखो आइरिस है ना ये देखो ये आइरिस के जो मसल का जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये पिपिल की साइज चेंज होती है, ठीक है ना, बड़ी छोटी ऐसे कर, ठीक है। तो ये दो फंक्शन, नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथिक, मैं आगे सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक में किया था, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या हो रहा है, डायलेटर पिपिलरी, डायलेटर पिपिलरी मसल स्टिमुलेट होंगे तो पिपिल डायलेट हो, और पैरासिंपैथेटिक से कंस्ट्रिक्टर पिपिल, तो पिपिल कंस्ट्रिक्ट हो, ठीक है। और कलर ऑफ आइरिस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो इसके अंदर सेल्स है उसके ऊपर, ठीक है। हाँ ये मैंने आगे भी बता दिया, ये देखो सेम सॉरी हाँ स्प्रिंटर और डायलेटर पिपिल, देखो स्प्रिंटर वाला है ना ये ऐसे सर्क्यूलर, स्प्रिंटर कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हुआ तो जैसे हमारे कैमरा का शटर बंद होता है ना लाइक दिस इट्स क्लोज्ड, तो पिपिल की साइज डिक्रीज हो रही। पैरासिम्पैथेटिक कब स्टिमुलेट होगा, इजी याद रखना है, तो हम जब सो जाते हैं ना तो हमें अभी लाइट नहीं आने वाली तो हमें कैमरा का शटर बंद करना है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन पिपिल डायमीटर डिक्रीजेस। ऑपोजिट स्ट्रेस में है, हमारे पीछे कोई पड़ा है, अगर कुत्ता पड़ा है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तब क्या करना है, लाइट ज्यादा चाहिए तो डायलेटर कब होगा, सिंपैथेटिक। इजी याद रखने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है एग्जाम में कि पीछे कुत्ता पड़ा है, सिंपैथेटिक मतलब जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो पिपिल डायलेट हो रही है, पैरासिंपैथेटिक में पिपिल कंस्ट्रिक्ट हो रही है। अभी सबसे अंदर वाला लेयर नर्वस लेयर जिसे कहते हैं रेटिना, ये भी हमारे पोस्टीरियर 5-6 को ही कवर कर रहा है, जिसमें रोड्स एंड कोन्स हमारे सेंसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं, हम अच्छे से कर रहे हैं। अभी ये रेटिना है ना इसके अंदर भी 10 लेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी में आपको करवाया होगा, हिस्टोलॉजी में भी करवाया होगा, हम यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं। तो सबसे पहला है पिगमेंट सेल लेयर, यहाँ पे जो पिगमेंट सेल्स होते हैं, फिर आएगा दूसरा रोड्स एंड, थर्ड आएगा लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये वाला जो आउटर लिमिटिंग, फिर ये रोड्स एंड कोन्स का न्यूक्लियर आएगा जिसे कहते हैं आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर आएगा साइनेप्स, ये देखो ये न्यूक्लियर हो गया, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं पहला है पिगमेंट सेल लेयर, दूसरा आएगा रोड्स एंड कोन्स, ये रोड्स एंड कोन्स PR याद रह रहा है, फिर आएगा लिमिटिंग मेम्ब्रेन एक्सटर्नल लिमिटिंग, ये देखो ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये डायग्राम अच्छा वाला है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक्सटर्नल या आउटर लिमिटिंग न्यूक्लियर आ गए रोड्स एंड कोन्स के, आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर साइनैप्स हो रहा है तो आउटर साइनैप्स, इसके बीच में साइनैप्स हो रहा है, ये जो हमारे रोड्स एंड कोन्स है ना
और गैंग्लियोनिक सेल, यहाँ पे फिर गैंग्लियन वाला है, तो साइनेप्टिक, अभी आउटर साइनेप्टिक लेयर, फिर इसके बाद आएगा इनर न्यूक्लियर, ये यहाँ पे ये वाला, ठीक है, फिर आएगा अभी ये गैंग्लियन वाले यहाँ पे हो गया, फिर इसके बाद आएगा लेयर ऑफ गैंग्लियन, और ये जो गैंग्लियन सेल्स होते ना उसके जो एक्सॉन्स है ना वो हमारी ऑप्टिक, तो लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व, और सबसे अंदर इनर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये बाइपोलर है, सॉरी यहाँ पे ये गैंग्लियन सेल, ये बाइपोलर के साथ साइनेप्स करे, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से बता रही हूँ, अभी देख लो, फिर पिगमेंट सेल, रोड्स एंड कोन्स, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग, फिर रोड्स कोन्स के न्यूक्लियाई, फिर आउटर साइनेप्टिक, आउटर साइनेप्टिक में हॉरिजॉन्टल और ये बाइपोलर सबके जो डेंड्राइट से इसके साथ साइनेप्स, ठीक है, फिर इनर न्यूक्लियर यहाँ पे सबके न्यूक्लियाई, फिर इनर साइनेप्टिक, फिर गैंग्लियन सेल ये वाला, फिर ऑप्टिक और सबसे अंदर इनर लिमिट मेमोरी, ठीक है, तो ये 10 लेयर। अभी इंपॉर्टेंट याद रखना जो है वो सबसे पहला जो पिगमेंट सेल, तो एक ही लेयर होता है, हेक्सागोन शेप के सेल होते हैं साइड्स, ठीक है, और इसके अंदर होता है मेलानिन पिगमेंट, पिगमेंट लेयर, तो इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला तो जो ये पिगमेंट होते हैं ना, कोरोइड, कोरोइड भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है लाइट रेस का, पर ये पिगमेंट भी चाहिए जो लाइट रेस को एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं तो ये लाइट रेस इधर उधर कहीं पे भी चले जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो हमारी इमेज ठीक से नहीं बनेगी, ये अप्लाइड एस्पेक्ट आ सकता है, अल्बिनोस, अल्बिनोस जो है ना इसमें मेलानिन पिगमेंट्स होते ही नहीं है, तो हेरिडिटरी लैक होता है, तो उनको विजन में प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि ये जो लाइट रेज है ना वो रिफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और इनकी विजुअल एक्यूटी भी कम होती है, एक इसका फंक्शन हो गया हमारा जो एब्जॉर्ब कर रहा है इसको, ठीक है, दूसरा है विटामिन ए को स्टोर कर, तो विटामिन ए तो चाहिए ही ना, विटामिन ए विजुअल साइकिल में चाहिए है ना, वो हम आगे करेंगे, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, ठीक है, थर्ड फंक्शन है ये ब्लड और रटाइना के बीच में बैरियर बनाएगा, ब्लड रटाइनल बैरियर, तो ब्लड में से सब्सटेंसेस रटाइना में नहीं जाएंगे, रटाइना में से ब्लड में नहीं जाएंगे, फिर फैगोसाइटोसिस, जो भी आउटर सेगमेंट है ना ये वाला आउटर सेगमेंट जो रोड्स का है वो कंटिन्यूसली शेड ऑफ होता रहता है, ये शेड ऑफ होगा ना उसके बाद उसको फैगोसाइटोसिस करने का काम होता है पिगमेंट, ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट यहाँ पे है, हाँ, और एक और भी है, ये फेगोसाइटोसिस हो गया, और फोटो पिगमेंट जो उसका रीसिंथेसिस होने के लिए ट्रांसपोर्ट भी पिगमेंट सेल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक अप्लाइड एस्पेक्ट है रटाइनल डिटैचमेंट, ये कई बार आपने सुना होगा या सुनोगे कि जो रटाइना है ना वो डिटैच हो रहा है, इसका कारण क्या है, कॉमनली इंजरी है या और कोई डिजीज है, तो ये जो रटाइना है वो पिगमेंट एपिथीलियम से डिटैच, ये जो है ना पिगमेंट रह जाएगा इस साइड, ये डिटैच हो रहा है, ठीक है, और इसका कारण कभी कभी ये जो विट्रियस के है ना कोलेजन फाइबर्स, इसका कॉन्ट्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है, तो रेटाइनल डिटैचमेंट हो, तो रेटाइनल डिटैचमेंट से होगा क्या, ये पिगमेंट सेल लेयर है ना वो उससे हमारे रोड्स एंड कोन से सेपरेट हो रहा है, ठीक है, और इससे क्या होगा, ये जो फेगोसाइटोसिस और ये जो प्रोसीजर है ना वो नहीं होगी, तो जिससे विजन इज ऑल्सो अफेक्टेड, उसका करेक्शन क्या है, सर्जिकली उसको फिर से अटैच करना पड़ेगा, सर्जिकल रिप्लेसमेंट, फिर तो ये हो गया पहला लेयर पिगमेंट सेल लेयर, दूसरा है हमारा लेयर ऑफ रोड्स एंड कोन्स, यहाँ पे ये हमारा फोटो रिसेप्टर्स है, स्कोटोपिक फोटोपिक दो विजन, ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रोड्स चाहिए, इसको कहते हैं स्कोटोपिक विजन, ब्लैक एंड वाइट, और जब हम शाम को देखते हैं ना, रात को अगर उठे हो तो हमें क्या होगा, कलर दिखेगा नहीं, रात को हमें ब्लैक एंड वाइट के शेड्स दिखेंगे, अगर आपको आप रात में उठे लाइट चालू नहीं है तो कैसा आपको कलर दिखेगा, कोई भी रेड कलर का आपका सपोज टी शर्ट पहना है तो रेड कलर दिखेगा नहीं, आपको ग्रे दिखेगा, वाई, क्योंकि जब हम नाइट में जो विजन होता है वो रोड्स की वजह से होता है, और रोड्स है वो कलर सेंसिटिव नहीं है, वो स्कोटोपिक विजन, जबकि कोन्स है वो कलर विजन के लिए, तो फोटोपिक विजन, फिर इसके बाद एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जो हमारे ग्लायल सेल्स से बनती है, ग्लायल सेल्स, ठीक है, फिर आउटर न्यूक्लियर जिसमें रोड्स एंड कोन्स हो गए, फिर साइनेप्टिक लेयर, आउटर साइनेप्टिक लेयर होगा जिसमें फोटोरिसेप्टर्स के साथ बाइपोलर हॉरिजॉन्टल सेल्स एमेक्राइनिन सबका साइनेप्सिस हो,
ठीक है, फिर इनर न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियाई आएंगे, ये सबके बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स, एमेक्राइन सेल्स, इन सबके न्यूक्लियाई। फिर इनर साइनाप्टिक, इनर साइनाप्टिक में फिर से साइनाप्स होगा, इसके बीच में बाइपोलर, गैंग्लियन, एमेक्राइन सेल्स, और सबसे लास्ट में जो है वो हमारे गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर, हॉरिजॉन्टल, एमेक्राइन। देखो यहाँ पे बाइपोलर आएंगे, हॉरिजॉन्टल आएंगे, एमेक्राइन, गैंग्लियन सबसे लास्ट में होता है, इंपॉर्टेंट वन। गैंग्लियन सेल्स है ना, उसमें से हमारी ऑप्टिक नर्व, ठीक है, तो इनर न्यूक्लियर में आएगा बाइपोलर, हॉरिजॉन्टल, एमेक्राइन, EHA, और नीचे आएगा गैंग्लियन, ठीक है। और तो फिर लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल, इसके बाद आएगा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किससे बन रहे? एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स, और फिर इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, वो भी फिर से ग्लियल सेल्स। अभी ये जो हमारे रोड्स एंड कोन्स होते हैं ना, उसका नंबर इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई के अंदर कितने कोन्स होते हैं? कोन्स हमेशा कम होते हैं, 6 to 7, याद रखना ये वैल्यू, मिलियंस कोन्स। और रोड्स होते हैं 120-125, ठीक है। और हमारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना, वो अराउंड 0.8 to 1.2। तो ये इतने सारे रोड्स, इतने सारे कोन सब कन्वर्ज होके फिर ये नर्व पे आए। तो कन्वर्जन का रेशियो कितना हुआ, ये देखो, ये हमारे कोन्स है, 6 to 7 रोड्स है, तो ये रेशियो कितना हुआ, 105 to 165। फिर रेटिना की जो ब्लड वेसल अंदर वाली होती है ना, वो हमारे बाइपोलर, गैंग्लियन सेल्स, वो सबको सप्लाई कर रही है, पर वो पिगमेंट सेल को और रोड्स कोन्स को नहीं कर रहे। तो जब रेटिनल डिटैचमेंट होता है ना, तो ये विजन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन यहाँ ऊपर से मिले, ये रोड्स को। फिर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा, जिसे कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। ये जो मैक्यूला ल्यूटिया है ना, ये वाला येलो स्पॉट है, ये हमारे पोस्टीरियर पोल के ऊपर है, यहाँ ऑप्टिक डिस्क के थोड़ा सा टेम्पोरल साइड, ठीक है। और जो मैक्यूला है ना, उसके सेंटर में जो होता है, जिसे कहते हैं फोविया सेंट्रल, और ये हमारा सिर्फ इसका डायमीटर है 0.3 नैनोमीटर, जिसके अंदर रोड्स नहीं होते, इसलिए यहाँ पे विजुअल एक्यूट हाइएस्ट होती है, सिर्फ कौन सी होते हैं, ठीक है। फिर एक और स्ट्रक्चर है, ये टेम्पोरल साइड हुआ, तो नेजल साइड होता है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क मतलब जहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व बाहर आ रही है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखो फोविया में बहुत सारे कोन्स होंगे, तो एक्यूटी हाईएस्ट है, यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क के आगे कुछ भी नहीं होगा, रोड्स भी नहीं होगा, कोन्स भी नहीं होगा। इसका डायमीटर है 1.5 मिलीमीटर, और यहाँ पे बनता है ब्लाइंड स्पॉट, मतलब यहाँ पे अगर लाइट रेज आ रहे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। फिर रोड्स और कोन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रोड्स जो है, उसका साइज अगर बता दे, याद रहे तो अच्छा है, 40 to 60 micrometer इसकी लेंथ होती है। इसके सेगमेंट्स में होते हैं आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस एंड साइनाप्टिक बॉडी। आउटर सेगमेंट ये वाला देखो, रोड्स में ये वाला है आउटर सेगमेंट, इसमें ऐसे लेमेलर डिस्क होती है जो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स, और इसके अंदर फोटोकेमिकल सब्सटेंस होता है, पिगमेंट होता है, जिसे कहते हैं रोडोप्सिन, ठीक है। और ये जो डिस्क होती है ना, अबाउट 1000 डिस्क है हर एक रोड और कोन के अंदर, ठीक है। फिर रोड्स और कोन्स, तो इनके अंदर कलर सेंसिटिव पिगमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे आउटर सेगमेंट की बात हो गई। फिर आ रहा है इनर सेगमेंट, ये वाला देखो, ये आउटर हो गया, फिर इसके बाद इनर सेगमेंट। तो एक और, ये जो हमारा आउटर सेगमेंट है ना, वो हर एवरी आवरली, ये जो पुराने डिस्क है ना, वो निकलती जाती है और नई डिस्क बनती जाती है। ये जो पुराने डिस्क है ना, वो हमारा जो पिगमेंट सेल है ना, वो उसको फेगोसाइट, इसीलिए जब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है ना, तो ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस अफेक्ट हो जाता है, और इसी की वजह से पेशेंट को ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। फिर आ रहा है इनर सेगमेंट। इनर सेगमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा थिक होता है आउटर से, यहाँ पे, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनेलीज होंगे, ठीक। फिर हाँ, तो इनर एंड ये आई थिंक आउटर इनर। इसके बाद आएगा न्यूक्लियस यहाँ पे, और लास्ट में जो है वो आएगा साइनाप्टिक, इसका जो बॉडी है जो कनेक्ट करेगा साइनाप्टिक लेयर में, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं रोड्स? तो रोड्स हमारा इंपॉर्टेंट मैंने बताया, ब्लैक एंड व्हाइट विजन, जब हमारा लाइट कम हो, लो इल्यूमिनेशन, स्कोटोपिक विजन,
अंदर जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है इसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किससे बना होता है? ऑप्सिन, ये हम विजुअल साइकिल में करेंगे। ऑप्सिन का नाम है स्कोटोप्सिन एंड रेटिनॉल। और जब डिम लाइट आती है तो रोड स्टिमुलेट हो। अच्छा, और कितने रोड्स होते हैं? 120 to 125 million ज्यादा होते हैं पेरिफेरल रेटिना। ठीक है, और फोविया में रोड्स होते ही नहीं है, सिर्फ कोन। ऑप्टिक डिस्क में दोनों नहीं होगा। फिर कोन्स की बात करें तो कोन ऐसे कोन शेप के होते हैं। इसमें भी आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, न्यूक्लियस, साइनैप्टिक जो डिस्क होता है, साइनैप्टिक बॉडी भी है। इसका थोड़ी सी साइज कम है, 40 to 80 micron। आउटर सेगमेंट में सेम ऐसे ही फोल्ड्स है जिसके अंदर फोटोसेगमेंट है, वो मैं ज्यादा नहीं करवा रही हूँ। इनर सेगमेंट में ऑर्गेनेलीज रहेंगे, न्यूक्लियस एंड ऑल। इसका फंक्शन है मैंने बताया, हाई इल्यूमिनेशन, डे लाइट में कोन स्टिमुलेट। कोन का जो पिगमेंट है रोडोप्सिन होता है, कोन्स में अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट। जैसे रेड के लिए जो पिगमेंट है पोरफायरोप्सिन, ग्रीन के लिए जो पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं आयोडोप्सिन, ब्लू के लिए साइनोप्सिन। और ये जो है ना वो शार्प विजन, हाई इल्यूमिनेशन चाहिए, हाई विजुअल एक्यूटी, तो डे लाइट में ही कोन्स हमारे स्टिमुलेट होंगे, ब्राइट लाइट। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया, ये कलर विजन के लिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन। रोड्स ज्यादा पेरीफेरी में होते हैं, कोन्स ज्यादा सेंटर में होते हैं। रोड्स पेरीफेरी में होते हैं ना तो उनका कन्वर्जेंस ज्यादा होता है, जब कोन सेंटर में होते हैं तो वो कन्वर्ज नहीं करना पड़ता है ना, हम साइड से आते हैं तो ज्यादा कन्वर्ज। फिर लाइट तो लो यहाँ पे, हाँ इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, मतलब थोड़ी सी भी लाइट डाल दो रोड स्टिमुलेट हो जाएंगे, कोन्स को टाइम लगेगा। विजुअल एक्यूटी रोड्स की कम है, कोन्स की ज्यादा है। ये देखो रोड्स है ना पेरीफेरी में ज्यादा, और सेंटर में हो गए कौन से। इसके बाद आएगा लेंस। लेंस जो है हमारा वो इलास्टिक सर्कुलर बाय कॉन्वेक्स बॉडी है। ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? हमारी पिपिल के पीछे, और इसके कवरिंग में होती है कैप्सूल, और यहाँ पे है सस्पेंसरी। तो जैसे ही सस्पेंसरी लिगामेंट खींचेगा तो लेंस का थिकनेस और चेंज, थिकनेस चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव पावर भी चेंज। बोलते हैं ना ज्यादा नंबर के चश्मे होते हैं तो वो थिक होता है, कम नंबर के चश्मे होते हैं थिन होता है। तो हमारा जो लेंस है ना वो थिक भी बनेगा, थिन भी बनेगा। तो यहाँ हमने स्ट्रक्चर किया है। अभी इनर और इंटीरियर ऑफ द आई जो हम एक्वियस विट्रियस ह्यूमर है वो हम नेक्स्ट सेशन, चलो एमसीक्यूज कर लेते। नॉट ट्रू रिगार्डिंग ह्यूमन आई, तो यहाँ पे आ रहा है 0.5 centimeter डायमीटर, यस 1/6 इज विजिबल। क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, ये भी करेक्ट है। रेटिना इज वास्क्यूलर लेयर, रेटिना इज नर्वस लेयर, वास्क्यूलर नहीं। फॉल्स अबाउट क्लेरा, क्लेरा तो टफ फाइब्रस ओपेक है, करेक्ट। मॉडिफाइड इन फ्रंट टू फॉर्म कॉर्निया, ये भी करेक्ट है। प्रोवाइड शेप टू द आईबॉल, ये भी करेक्ट है। प्रोटेक्टिव इन नेचर, जस्ट हाँ ये करेक्ट है, पर नॉट कम्प्लीटली, है ना, वास्क्यूलर नहीं होता, ए वास्क्यूलर कॉर्ड, ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर ऑफ कोन्स इन रेटिना, कोन्स कम थे, रोड ज्यादा थे, है ना, तो कितने थे? अबाउट 6 to 7 million, 120 to 125 million से हमारे रोड्स। रोड्स डिफर फ्रॉम कोन्स इन ऑल एक्सेप्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन, लाइट सेंसिटिविटी, वेवलेंथ एंड एक्यूटी। देखो एक्यूटी तो रोड्स की कम होती है, फिर वेवलेंथ, लाइट सेंसिटिविटी तो ये जल्दी से सेंसिटिव होती है, ये अलग वेवलेंथ में करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब दोनों का एक ही काम है ना, लाइट आएगी स्टिमुलेट होंगे, तो ये नॉट डिफर, नॉट द फंक्शन ऑफ आइरिस। आइरिस का काम क्या नहीं? एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, ठीक है। ये देखो आइरिस ऐसे बनेगा तो अंदर पिपिल से लाइट नहीं जाने देगा। नरिश इज द स्ट्रक्चर, ये नरिशमेंट नहीं, साइज ऑफ पिपिल रेगुलेट करेगा, डेप्थ ऑफ फोकस भी बढ़ाएगा, जैसे आइरिस छोटा होगा तो डेप्थ ऑफ फोकस चेंज होती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इसका फंक्शन नहीं है, जो वास्क्यूलर लेयर है ना कोरोइड वो न्यूट्रिशन। स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई इज नोन एज, हम किया था, ऑप्टिक नर्व जहाँ से बाहर आ रही है इसे कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, वहाँ पे रोड्स कोन्स नहीं होते, है ना। फोविया सेंट्रलिस पे कोन्स ज्यादा होते,
not true about phobia. Situated 3 millimeter nasal to optic disc, highly vascular, cone free part. इसे कोई भी करेक्ट नहीं होता, ये नेजल साइड नहीं होता, ये टेम्पोरल. वास्कुलर तो होता ही नहीं है, वो नर्वस है ना, ये रेटिना में है. कोन फ्री पार्ट नहीं होता, कोन्स हाईएस्ट होते हैं. ये तो ऑल आर नॉट करेक्ट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एक्विस ह्यूमर एक्सेप्ट. ये एक्विस ह्यूमर हमारा चला नहीं, तो एक्विस ह्यूमर वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, ये नहीं करवा रहे. तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स सेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे. प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिए और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. मेरी बुक पढ़ोगे तो हाईएस्ट मार्क. थैंक यू सो मच. लाइक द वीडियो, यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.